और अब बात एक चैनल की एंकर लिबर्टी चान की। जी हाँ, मौसम की रिपोर्ट पेश करती थी लिबर्टी चान, और उसके बाद क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं। Tomorrow, what's going on? You want me to put this on? Why? Because it's cold? Getting a lot of emails. What? There you go. Really? There you go. Okay. On screen news anchor ne kapde kyun badle? What's going on? You want me to put this on? Why? On screen news anchor ke kapde kyun badalwaye? Why? Because it's cold? Getting a lot of emails. What? There you go. Really? There you go. महिला एंकर को बीच बुलेटिन जैकेट पहनाने पर एतराज। Okay. That's nice. I look like a librarian now. यह है लॉस एंजलिस के लोकल चैनल KTLA की एंकर लिबर्टी चान। शनिवार 14 मई को सुबह 8 बजे रोज की तरह चान अपनी ड्यूटी कर रही थी। चान ने काले रंग की खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी और इसी ड्रेस में वो KTLA चैनल पर मौसम की रिपोर्ट पेश कर रही थी। इसी दौरान KTLA चैनल देख रहे लोगों को ऑन स्क्रीन कुछ गजब दिखता है। कैमरे के फ्रेम से बाहर खड़े एक शख्स का स्वेटर लिया हाथ एकाएक ऑन स्क्रीन होता है। ऑन एयर लिबर्टी चान के साथी एंकर क्रिस बुरोस उन्हें ये जैकेट दे रहे हैं। हालांकि देखने वालों को सिर्फ क्रिस का हाथ ही नजर आता है, लेकिन दोनों एंकर्स की आपसी बातचीत साफ सुनाई देती है। What's going on? You want me to put this on? Why? Because it's cold? I'm getting a lot of emails. What? There you go. Really? There you go. Okay. That's nice. I look like a librarian now. I need... वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैकेट पहनाए जाने से चान खुश नहीं है। उनके चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही है। उधर क्रिस बुरोस का कहना है कि चैनल को शो के दौरान लगातार इस बात के ईमेल्स आ रहे थे कि महिला एंकर की ड्रेस काफी चमकीली है। दर्शकों की राय थी कि चान की ड्रेस नए साल के कॉकटेल ड्रेस की तरह लग रही है, इसे बदला जाए। क्रिस के इस कदम की सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद काफी आलोचना हो रही है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह घटना #sweatergate से ट्रेंड करने लगी। एंकर चान के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उतर आए। चान के समर्थकों और आम लोगों का कहना है कि क्या कभी किसी पुरुष एंकर को भी ऐसे ही जैकेट पहनने के लिए मजबूर किया जाएगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में महिला एंकर के साथ हुई इस घटना ने अमेरिकी समाज का सच सामने ला दिया है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि तरक्की के तमाम पायदान पर आला मुकाम हासिल करने के बावजूद अमेरिकी समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा ही हासिल है। कम से कम लिबर्टी चान के साथ हुए वाक्य से तो यही कहानी बयां हो रही है। उधर अपने समर्थकों से मिल रहे समर्थन पर चान बेहद खुश हैं। उन्होंने अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर प्रशंसकों को धन्यवाद भी दिया है।